तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी कॉकटेल का बच्चा, अभी शाम के 4 बजे हैं और अभी मैंने इसे परचेस किया है एक अंकल के पास से। तो मैं उनको पहले से ही बताया था कि मुझे एक बच्चा चाहिए, तो उन्होंने अलग करके रखा हुआ था, तो मैंने अभी परचेस करके लाया हूँ। तो इसकी कॉस्ट मुझे अभी 500 रुपीज़ पड़ी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो पेट है ना, वो शाइन कर रहा है। तो आप भी कोई भी बच्चा हैंड फीडिंग पे ले रहे हो तो देखना होगा कि आपको उसका पेट शाइन करना होगा, और उसकी आपने वेंट दिखी, वो वेंट पूरी क्लीन होनी चाहिए, वहाँ पॉटी नहीं लगी हुई चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं मेरी बिल्ली, तो ये कोई हार्म नहीं करेगी मेरे इस कॉकटेल को। तो मैंने पहले भी उनसे एक कॉकटेल का बच्चा लिया हुआ था, लेकिन मैंने जब उसको फीडिंग दी तो थोड़ी गाढ़ी हो गई थी फीडिंग, तो उसके सीने में वो मतलब उसके पेट में फंस गई वो फीडिंग, तो उसकी वजह से वो मर गया था कॉकटेल का बच्चा। तो इस बार मैं इसे अच्छे से फीडिंग दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसके माँ बाप ने अभी फीडिंग दी हुई है, तो मैं इसको आज रात तो नहीं फीडिंग दूंगा लेकिन कल दूंगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने कागज़ के टुकड़े लिए हुए हैं, ताकि इसमें जो पॉटी करता है ना ये कॉकटेल का बच्चा, तो ये सोख लेते हैं कागज़ के टुकड़े उसके पॉटी को, तो इससे वो गंदा भी नहीं होगा और उसे ठंड भी नहीं लगेगी, गीला गीला नहीं होगा नीचे। तो कागज़ के टुकड़े सोख लेंगे उसे, तब ये इसका जो ये सीना देख सकते हैं आप पूरा भरा हुआ है खाने से, तो इसको अभी खाना देना नहीं चाहिए, इसे मैं कल सुबह दूंगा खाना। और इसके साथ अभी मैं बजरी का बच्चा भी छोड़ने वाला हूँ, तो अभी चलते हैं बाहर कॉलोनी में। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कॉलोनी से मैंने इसे निकाल लिया है मटकी को, और इसमें 2 बच्चे हैं। अभी कॉलोनी में 2 ही पैर हैं, तो उसमें से एक पैर ने ब्रीड किया हुआ था मेरे पहले पहले का जो पैर था उसने। तो ये बच्चा आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है, और इसे भी मैं अभी हैंड फीडिंग पे लेने वाला हूँ, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ अच्छे से खिला रही है, इसकी जो मादी है ना वो अच्छे से खिला रही है, लेकिन जो कॉकटेल का बच्चा अकेला होगा इसीलिए इसे भी मैं ले रहा हूँ हैंड फीडिंग पे। अगर ये खाता नहीं हैंड फीडिंग मुझसे तो मैं इसे वापस से छोड़ सकता हूँ, मादी आराम से इसे फिर से पाल लेगी। तो ये आप बच्चा देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, और ये एक दो दिन के अंदर बाहर भी निकल जाएगा मटकी के। तो ये इसको हम छोड़ देते हैं वापस मटकी में, और मटकी वापस लगा के आ जाता हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये बच्चा काफ़ी खूबसूरत है, ग्रीन कलर में निकला है बच्चा, और मैं अभी इसको इस कॉकटेल के साथ ही रखने वाला हूँ, ताकि कॉकटेल अकेला ना रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों अच्छे से बैठे हुए हैं। तो अभी मैं इसे छोटे से केज में रख रहा हूँ, क्योंकि घर में बिल्ली है और कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, तो इसलिए इसमें रख रहा हूँ। तो हैंड फीडिंग में अभी अगला वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन को दबाइए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।